एवरीवन, दिस इज कोच वीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीर वॉलीबॉल क्लब। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से। तो आज की वीडियो होने वाली बेहद खास हमारे यूट्यूबर्स के लिए, हमारे फैंस के लिए। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम दिखाने वाले हैं आपको हाउ टू स्पाइक बैटर स्पाइक। आप एक बैटर स्पाइकर कैसे बन सकते हैं। देखिए, स्पाइकर तो बहुत सारे होते हैं, पर आप बैटर बनना चाहेंगे तो आज हम कुछ खास लाए हैं आपके लिए। बहुत सारी ऐसी वीडियोस दिख जाएंगी आपको यूट्यूब पे, पर आज की वीडियो में हम कुछ अलग दिखाएंगे आपको। एक्सरसाइज दिखाएंगे, कुछ ट्रेनिंग दिखाएंगे, बैटर दिखाएंगे, जिससे आप एक बैटर स्पाइकर बन सकते हैं। तो हमारे इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज। देखिए, सबसे पहले तो हम दिखाना चाहेंगे आपको हैंड पोजीशन, किस टाइप में होना चाहिए, किस वे में होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे आप हैंड पोजीशन। तो देखिए, वार्म अप हो गया। इसके बाद हैंड पोजीशन में बताएंगे आपको। तो हैंड पोजीशन में क्या करना है, देखिए दोस्तों, सबसे पहले हैंड, ये आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपका राइट हैंड है, ठीक है। आप अगर राइट स्पाइकर हैं, यदि आप राइट स्पाइकर हैं तो आप राइट हैंड का इस्तेमाल करेंगे, यदि आप लेफ्ट स्पाइकर हैं तो लेफ्ट हैंड का होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम दिखाना चाहेंगे हैंड पोजीशन। देखिए, ये इस पोजीशन में आपका हैंड होना चाहिए, ठीक, यहाँ देख पा रहे होंगे। ये पोजीशन देखिए, हैंड की सबसे मेन पोजीशन है ये वाली, और हैंड इस वे में होनी चाहिए बाहर की तरफ, ठीक है। तो समझ लीजिए, ये आपकी बॉल है, ये हाथ आपकी बॉल है, देख पा रहे होंगे आप, हिट द बॉल, हिट द बॉल। देखिए दोस्तों, हाथ की पोजीशन ऐसा रखिएगा, हाथ ऐसे मत रखिएगा, अंदर मत रखिएगा, या कुछ ऐसे मत रखिएगा, हाथ की पोजीशन इस वे में होनी चाहिए, देख पा रहे हैं आप, हमारी वीडियो में आप देख पा रहे होंगे। तो हैंड की पोजीशन इस वे में होगी तो परफेक्ट आप स्पाइक कर पाएंगे, देख पा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आपने, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, देखिए हैंड पोजीशन आपने देखी होगी ये वाली, ये देखिए, ये हैंड यहाँ, ये, ठीक है। अपने फ्रंट में बॉल को रखिए, एकदम फ्रंट में रखिए, 90 पे अपने बिल्कुल सामने रखिए, ठीक है। नज़र एकदम बॉल पे होनी चाहिए और फ्रंट में होनी चाहिए, देख पा रहे हैं आप, ठीक है। ये थी हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज जो आप लोगों ने देखी। तो ये हैंड पोजीशन आपका सबसे बेहतरीन होने चाहिए। हैंड पोजीशन अगर बेहतरीन नहीं होगा तो आप बैटर स्पाइकर नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर आपको ध्यान रखना है, आपकी हैंड का पोजीशन जो है इस वे में होना चाहिए, ये देख पा रहे हैं आप, देख पा रहे होंगे ये, ठीक है। तो ये थी हमारी सबसे पहला नंबर पे। अगर आप शॉर्ट स्पाइकर बनना चाहते हैं तो देखिए, अगर आप शॉर्ट स्पाइकर बनना चाहते हैं, शॉर्ट स्पाइकर के लिए शॉर्ट बॉल पे अगर अटैक करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, देखिए हैंड तो सेम रहेगा, ये वाला, ये पोजीशन सेम, पर हाथ को पीछे से, ये वाला, ये चीज़ देख पा रहे हैं आप, ये एकदम पीछे ले जाइए अपने फ्रंट, अपने सर के पीछे, और सामने हिट करिएगा, ये देखिए, ये देख पा रहे हैं एकदम, सिर्फ रिस्ट को घुमाइएगा, ये आप देख पा रहे हैं आप, अपना हैंड इसको घुमाइएगा डाउन डाउन, ठीक है। पूरे हाथ को मत लाइएगा नीचे, अगर आप पूरे हाथ को यूं नीचे लाते हैं तो आपका नेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी, अवॉइड करिए, ये गलती बिल्कुल भी मत करना। आप सिर्फ ये हाथ लीजिएगा, ये देख पा रहे हैं आप, स्ट्रेट बाजू आपकी स्ट्रेट होने चाहिए, सिर्फ रिस्ट का कमाल है कि ऊपर से आपका रिस्ट आने चाहिए, शॉर्ट बॉल के लिए रिस्ट सबसे मेन है। तो ये हमारे पास नंबर टू थी, जो आपको दिखाएंगे बॉल के साथ भी आपको दिखाएंगे हिट करके कैसे करना है आपको, पर हैंड की पोजीशन, आप जो हाथों की पोजीशन है वो देख लीजिएगा पहले। एक बार फिर से दिखाने चाहेंगे, नंबर वन हमारे पास थी ये वाली, साइड से लाइए बॉल, ठीक है, बाहर से हिट करिए बॉल पर। और दूसरा नंबर, अगर शॉर्ट स्पाइकर हैं आप, शॉर्ट बॉल पर अटैक करते हैं तो बॉल को यूं करिए हाथ, ये एक्सरसाइज करिए आप, ठीक है। आप सुबह शाम घर बैठ के भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, देखिए ये वाली, जस्ट हिट द बॉल, ठीक है। तो ये हमने दिखाया आपको नंबर टू, हमारे पास यही थी नंबर टू। अब हम दिखाएंगे आपको, अब हम दिखाएंगे